यह मुंबई शहर, कहा जाता है मुंबई कभी सोती नहीं, पर यह साल कुछ ऐसा हुआ जिससे मुंबई क्या पूरा देश कैद है इस बीमारी की चपेट में। खाली सड़क, धूप में झुलसते लोग, हमारे देश को संभालते हुए हीरोज और ऐसे ही बहुत सी संस्थाएं जो इस कंडीशन में आगे आए लोगों की मदद करने के लिए। पूछोगे नहीं कौन सी बीमारी है ये? इंटरेस्टिंग और कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो अमीर और गरीब इस लॉकडाउन में एक पिंजरे में कैद है तो एक बराबर ही दिख रहे, आप लोग सब देख रहे होंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि हर साल ईद जो है मतलब जश्न, और कपड़े पहनते थे लोग, अच्छे खासे कपड़े पहनते थे, अच्छा खासा मनाया जाता था, बट इस बार जो ईद है लॉकडाउन में आया हुआ है एंड देखते हैं आज की ईद कैसी गुजरती है हमारी। बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जिनको नीड्स थी, ठीक है, जो बहुत दूर से ट्रेवल करके आ रहे थे यहाँ से अपने घर जाने के लिए, जैसे MP, UP एंड बहुत सी जगह प्रोवाइड किया इन्होंने, जैसे कि खाना हो गया और फिर बाद में पानी हो गया, इन्होंने प्रोवाइड किया, वो काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड और एक चीज बताना चाहूंगा दैट ये चीज मैं 2 महीने से देख रहा था, ठीक है, 2 महीने से देख रहा था ये लोग कर रहे थे, बट मैं थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर पा रहा था क्योंकि एक्चुअली जो भी चीज था मतलब एकदम पूरी तरह से मैं इसमें नहीं था, बट मैंने सोचा नहीं यार ये चीज जो लोग नहीं दिखा रहे, वो लोग कहीं पे शो ऑफ नहीं कर रहे, बट मुझे ऐसा लगा दैट अगर इनके थ्रू और भी ऐसी संस्थाएं होंगी जिनको एक मान मिलेगा दैट दे विल फील प्राउड दैट बहुत सारी ऐसी संस्थाएं है जो ये सारी चीज कर संस्था के प्रेसिडेंट है, उनसे बात करवाना चाहूंगा दैट व्हाट दे आर डूइंग एंड क्या क्या उन्होंने काम किया है अभी तक,
क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाह रहे, बट यू शुड नो। सो अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद खान है, मैं विकास सामाजिक प्रतिष्ठान का प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 2 महीने से हमारा कार्यकाल पर डे चालू है, सुबह शाम हम 4,000 नीडी पीपल जो हैं उनके लिए हम खाना बांटने का काम करते हैं। पानी रहता है, फ्लावर रहता है, बनाना रहता है, और जैसा कि आज के दिन हमने सिर खुरमा बनाया था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा लाइफ में, यानी जब से हम छोटे से बड़े हुए पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अलग सी ईद देखने मिली, बराबर। और एक चीज कि वो ऐसा नहीं बोल रहे कि दैट दे हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल ऑफ द थिंग्स, यू शुड ऑल्सो डू, यू विल फील बेटर। बिकॉज अपने अपनी तरफ तो हम देख ही लेते यार, बट जिनको नीड्स है उनको देने से ज्यादा खुशी मिलेगी। एक बार करके देखना, कसम से आज मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पहली बार खाना किसी को बांटा है एंड मुझे कसम से दिल से बहुत अच्छा फील हुआ दैट किसी जरूरतमंद को अगर आप एक दाना भी देते हो ना तो बहुत दिल से अच्छा फील होता है। एंड आई एम फीलिंग प्राउड ऑन मी टुडे दैट आई हैव डन दिस जॉब, मीन्स इनकी वजह से जो भी हुआ मैं कर पाया। एंड मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को खिला सकूं, क्योंकि खिलाने वाला सिर्फ जो ऊपर वाला है वही खिलाता है एंड वही हम सबको चला रहे हैं। तो क्या क्या बोलना चाहेंगे दैट कोरोना जल्दी से जल्दी कैसे खत्म किया जाए और कैसे खत्म हो? कोरोना खत्म करने के लिए तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट से गाइडलाइन है, जो रूल्स हैं, उनके बताए हुए रूल्स पे हमको फॉलो करना है। और दूसरी बात, जैसा कि भाई ने बताया कि ये लोग अच्छा काम करे, बट मैं अकेला नहीं कर पाता था, मेरी टीम को सलाम है कि ये सब जानते हुए भी वो मेरे साथ में रात दिन एक साथ खड़े रहते हैं, जज्बे के साथ में रहते हैं। कोरोना जल्दी से जल्दी हमारे देश से जाए, ये हम आपसे आग्रह करते हैं। वो भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो। बस, सो पीपल स्टे सेफ एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ व्हाट यू गेट, बिकॉज सबको हर एक चीज नहीं मिलती है। प्लीज अपने माइंड में रखो यार, मैंने आज कसम से उस भीड़ को देखकर मुझे ऐसा एकदम फील हुआ दैट यार किस तकलीफ से गुजर रहे लोग। मैं तो घर पे बैठा था इतने दिन, मुझे इतना बाहर का कुछ पता नहीं था, बट दिस आईडी हैज मेड मी डू दिस वर्क वेरी वेल। एंड मैं इस संस्था को कसम से, ऐसी बहुत सारी संस्था है उनको सैल्यूट करता हूँ। एंड पीपल प्लीज प्लीज डू सपोर्ट दिस टाइम द नीडी पीपल्स, प्लीज। ऐसे तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे नुक्स भी निकालेंगे, बट कोई बात नहीं, जिनको समझा उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं समझा उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज मैंने बोला है। तो प्लीज जाइए और जो भी नीडी पीपल्स हैं उनकी मदद कीजिए। स्टेड इन पब्लिक, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में और देता रहूंगा। वैसे ये वीडियो का मुद्दा ऐसा कुछ प्रमोट करना नहीं था, बस एक दूसरे की हेल्प करो, खुश रहो, लव यू।